Hi guys, good morning. Kaise hai aap? Welcome back to our channel, That Wondering Couple. This is Orini with Chaitanya. Welcoming you back to our Ladakh Road Trip. तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, हम सुबह उठ के रेडी हो गए हैं. टुडे इज़ डे 2 ऑफ आर जर्नी. यस्टरडे वी हैव कम फ्रॉम मुंबई टू वडोदरा इन द इवनिंग. सो आज जाना है थोड़ा सा लंबा. सो आज देखते हैं कितना कवर हो पाता है. टारगेट है कि करीब करीब 600 टू 700 किलोमीटर्स आज कवर करेंगे एंड फिर जाके रेस्ट करेंगे, सो दैट कल के लिए फिर ज़्यादा डिस्टेंस ना बचे. कोशिश है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके दिन में ही उतना ही करें. रात के टाइम में ड्राइविंग में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब रास्ते पता नहीं होते तो. बट ये रास्ते पे हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, पहले आए नहीं है. हाँ, तो राजस्थान हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं एंड देखते हैं कैसा रहता है ट्रिप. आप भी देखिए हमारे साथ में कि कैसे ट्रिप रहता है हमारा. ये जो सेकेंड डे ऑफ दी जर्नी है वो कैसे रहती है और इंजॉय करिए राजस्थान की वादियों को. कुछ बहुत सीनिक नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे and I hope everybody likes this trip. We are excited for the journey, so let's go. अभी हम वडोदरा से निकल चुके हैं और अभी आज हम क्रॉस करेंगे गुजरात और राजस्थान. सो शायद बहुत गर्मी रहने वाली है पूरे दिन और रास्ते के अपडेट हम आपको देते रहेंगे. इतने सुबह भी, अभी सुबह की 6:15 है टाइम और इतने सुबह भी बहुत ट्रक की ट्रैफिक है इधर, मतलब बहुत सारे ट्रक जा रही है. रात के और सुबह के टाइम शायद ज़्यादा ट्रक्स होती है रास्ते पे, तो जा रहे हैं हम धीरे धीरे डॉच करते हुए. देखते हैं आगे की जर्नी कैसे रहते हैं, आज के दिन कैसे रहते हैं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे. सो एंजॉय कीजिए ये ट्रिप. सो गाइज, अभी हम लोग फाइनली टर्न कर गए हैं ऑन दी हलोल वडोदरा रोड. वडोदरा बाईपास से एक रास्ता निकलता है टुवर्ड्स हलोल. सो ये हलोल वाला रास्ता बोलते हैं इज़ मच बेटर टू गो टुवर्ड्स दिल्ली. ट्रैफिक भी कम रहता है और रास्ते की कंडीशन भी बहुत अच्छी है. सो अभी हम इससे हलोल तक जाएंगे और हलोल से मोदासा जाने का प्लान है. आपको दिखाते हैं कैसी रहती है यहाँ की जर्नी, कैसा है ये रूट. अभी तक तो सो फार सो गुड, अच्छा लग रहा है. काफ़ी चिकना रास्ता है एकदम और ट्रक का ट्रैफिक उतना ज़्यादा तो नहीं है. ओवरऑल लुक्स गुड. लोग हलोल को बाईपास कर रहे हैं और यहाँ से गोधरा कुछ 45 किलोमीटर है और शामला जी कुछ होगा 175 किलोमीटर्स. सो इसी रूट पे हम लोग बने रहेंगे एंड यही जाएगा आगे उदयपुर तक और उसके आगे. सो देखते रहिए हमारे साथ ये जर्नी. ये हलोल वाला रूट तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सीनिक था और मतलब बहुत ही अच्छा रास्ता है. बहुत ही रोड कंडीशन बहुत ही अच्छा है. स्टेट हाईवे है बट बहुत ही अच्छा रोड कंडीशन, बहुत ही अच्छे कंडीशन में है. इवन ये वाला रास्ता भी काफी अच्छा है, मतलब जग फ्री है. थोड़ा सा खराब है, हल्का सा रफ है बट ओवरऑल दच के बिल्कुल नहीं आ रहे. और पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है दोनों साइड में. वैसे अच्छा लगता है, ड्राइव तो काफ़ी अच्छा जा रहा है. वैसे एक घंटे भी नहीं हुए निकले हुए बट काफ़ी अच्छा जा रहा है और खाने पीने का ऑप्शन भी बहुत है तो. हाँ, इस रूट पे खाने पीने के कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस और होटल्स रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है. तो इवन अगर स्टे भी करना है तो उसके लिए भी काफ़ी होटल्स अवेलेबल है ऑन द हाईवे, तो वैसे कुछ इशू नहीं है. अभी हम जस्ट पास कर रहे हैं एमजी के फैक्ट्री, तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है. तो यहीं पे ग्लॉस्टर, हेक्टर ये सब गाड़ियाँ बनती है. एमजी की फैक्ट्री काफ़ी बड़ी है ना. काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ा एरिया जुर के है. अभी हम राजस्थान से कुछ 100-150 किलोमीटर दूरी में है और जैसे जैसे हम राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे ना लैंडस्केप चेंज होती जा रही है. सो यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा थोड़ा ग्रीन कवर है बट जो सूखे पेड़ की प्रोपोर्शन बढ़ रही है ना,
जैसे थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है, डिफरेंट टाइप के पेड़ दिख, मतलब पौधे दिखने लग रहे हैं, वेजिटेशन, पेड़ सब अभी डिफरेंट टाइप का है। सो जैसे जैसे राजस्थान की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा सूखा टाइप का लगने लग रहा है। पीछे जब हम उधर हलोल वाले रास्ते पे थे तो वहाँ पे काफी ग्रीनरी थी, बहुत ज्यादा ग्रीनरी। हाँ, वो रास्ता तो बहुत ही सीनिक है, ये रास्ता भी बहुत ही सीनिक है, बट इसके ग्रीन कवर अलग है, बट अभी थोड़ा सा ग्रीन कवर कम होते जा रहा है। आई थिंक जैसे और राजस्थान में जाएंगे तो थोड़ा और ग्रीन कम हो जाएगा और गर्मी भी बढ़ जाएगी। अभी तो सुबह के 8 बजे है, सो अभी गर्म नहीं है। हम लोग करीब करीब आ चुके हैं, आई थिंक 125 से 150 किलोमीटर आ गए हैं, और कुछ 80 किलोमीटर 125 किलोमीटर एंट्री कर रहे हैं। 80 to 100 किलोमीटर और होगा राजस्थान एंट्री के लिए, फिर उदयपुर आएगा। सो उससे पहले पेट पूजा कर लेंगे, फिर गाड़ी की पेट पूजा करवा देंगे एंड फिर एंटर करेंगे राजस्थान। आपको भी दिखाते हैं राजस्थान की एंट्री कैसे रहती है। तो फिलहाल तो मज़ा आ रहा है रोड ट्रिप में, और काफ़ी सुबह निकले थे बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, वी आर ऑन गियर्ड अप, चार्ज रहा है, और फिर खा के बताते हैं खाना कैसा था, फिर आगे बढ़े। हमने जस्ट अभी आलू पराठे की ब्रेकफास्ट किए, बहुत ही बढ़िया था। तो खाने में ना अभी थोड़ा थोड़ा सा राजस्थानी टच आ चुका है, तो काफ़ी तीखा था पराठा, सो दही के साथ तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया। कॉफ़ी भी बहुत ही अच्छा बना था, और वॉशरूम उतना साफ नहीं थे बट ठीक है, चलता है, मतलब रोड ट्रिप में इससे बेटर तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, बट आई थिंक काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया, अभी बहुत ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। लंच से पहले शायद एक बार पेट्रोल भरवाने के लिए रुकेंगे, और फिर डायरेक्ट लंच पे ही रुकेंगे। रास्ता तो बहुत अच्छा है, वी आर स्टिल ऑन दिस मुडासा गोधरा हाईवे, तो ये बाईपास रोड है बेसिकली। बीच बीच में ऐसे लोकल ट्रैफिक आते रहते हैं, बट इट्स मोर ऑर लेस स्ट्रेस फ्री, कंडीशन एवरेज है रोड की। गुजरात में स्टेट हाईवे में तो कोई ऐसे टोल नहीं है, बट उस हिसाब से कंडीशन काफ़ी अच्छा है, क्या बोलते हो? हाँ, बहुत बहुत ही अच्छा है, सो सो गुड सो फार। देखते हैं कैसा और कितना टाइम लगता है पहुँचने में, और क्या रहता है रोड के कंडीशन। ये लैंडस्केप कितना मस्त लग रहा है अभी, लैंडस्केप तो बहुत देखो चेंज हो गया एकदम, बहुत ही सुंदर एक नदी को क्रॉस कर रहा है, ये माही रिवर, माही रिवर क्रॉस कर रहे हैं हम, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और इधर साइड में कुछ मंदिर वंदिर भी बना हुआ है। हाँ, ये कौन सा मंदिर है, माही सागर पता नहीं। अच्छा, इसीलिए यहाँ का माही सागर करके नाम है, वो माही सागर जो अपन देख रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ, वो इसीलिए माही सागर यही से आया, माही रिवर से आया। ड्राई सा वेजिटेशन दिख रहा है हमें, ग्रीन कवर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स राजस्थान। हम जो स्ट्रेच में है यहाँ से अभी शामला जी 6 किलोमीटर, और रास्ता बहुत ही सीनिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, कंडीशन भी बहुत ही अच्छा है, स्टेट हाईवे है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आती है, और नज़ारा तो बहुत ही सुंदर है, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा सा पहाड़ स्टार्ट हो गया है, सो ये रोड उनके बीच में से जाते हैं, और ऐसे डिवाइडर में फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो बहुत ही सीनिक है ये रोड, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इधर थोड़ा थोड़ा ग्रीन कवर भी है, और थोड़ा थोड़ा ऐसे एक साइड में पहाड़ में जो पौधे हैं वो सूख गए हैं,
So overall, it's very soothing to the eye. टर्न आता है जहाँ से हम लोग हाईवे टच करते हैं, NH 48 होगा ये मोस्टली। हाँ, NH 48 होगा। सो अभी हम लोग राइट हैंड साइड में टर्न करेंगे, गूगल भी मेरे को बता रहा है टर्न करने के लिए। और लेफ्ट साइड में है अहमदाबाद, अगर लेफ्ट साइड वाला जा लेते हैं आप फिर हम पहुँचेंगे अहमदाबाद, बट हम टर्न करेंगे राइट इधर से और बढ़ेंगे उदयपुर के और। उदयपुर इधर से 130 किलोमीटर अराउंड है, सो अप्रॉक्सीमेटली ढाई घंटे में तो पहुंच जाएंगे। इन 500 मीटर्स स्लाइट लेफ्ट ऑन टू नेशनल हाईवे 48। फाइनली ना रास्ते में अच्छा मजा आ रहा है। क्या बढ़िया रास्ता है, बहुत ही बढ़िया है। ये 6 लेन रास्ता बना के रखा है और लैंडस्केप तो जबरदस्त है यहाँ का, मतलब व्यू ही चेंज हो गया है। हाँ, है अच्छा ही, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बहुत सीनिक है, बहुत ही अच्छा है, व्यू बहुत ही जबरदस्त है। वी आर अप्रोचिंग गुजरात राजस्थान से पोस्ट, बट दिस इज समवेयर अराउंड द बॉर्डर ओनली। हाँ, अभी हम बॉर्डर एरिया में हैं। जयपुर इज 543 किलोमीटर्स, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो वी आर ट्राइंग टू रीच टिल जयपुर और बियॉन्ड टुडे। लग तो रहा है पहुँच जाएंगे क्योंकि बस 10:30 ही बज रहा है अभी। तो सकते हैं, अभी 10:30 बज रहा है सुबह की एंड वी हैव जस्ट एंटर्ड राजस्थान। सो हम अभी एंटर कर रहे हैं राजस्थान, सुबह के 10:30 बज चुके एंड चलो भाई। ये है रतनपुर बॉर्डर है बेसिकली। रतनपुर बॉर्डर है, रास्ते तो बहुत ही बढ़िया है। रास्ते तो सच में बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ही दिल खुश हो गया इधर आके। इतना मतलब पूरे ट्रिप के बेस्ट रोड सो फार, बहुत ही बढ़िया है। मतलब स्टेट हाईवेज वर गुड बट नेशनल हाईवे तो नेशनल हाईवे तो बेस्ट है। ये रूट एटलीस्ट बहुत ही बढ़िया है एंड दिस इज आवर फर्स्ट ट्रिप टू राजस्थान टुगेदर, दैट टू अ रोड ट्रिप। फर्स्ट रोड ट्रिप टू राजस्थान। हाँ, मतलब अकेले मैं भी आई हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ, चैतन्य भी आया है पहले। बेसिकली दिस इज द फर्स्ट रोड ट्रिप पासिंग राजस्थान। अभी तो हम लोग राजस्थान घूम भी नहीं रहे। फर्स्ट रोड ट्रिप पासिंग राजस्थान एंड फर्स्ट राजस्थान ट्रिप आल्सो। हाँ, टुगेदर। यस, रास्ता तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहाड़ों के बीच में से जा रहे हैं हमने। हम हाँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? और क्या, तुम्हें अच्छा लग रहा है? अरे मस्त रास्ते, एकदम मक्खन बोल रहे हैं। सीरियसली, रास्ता तो बहुत ही मक्खन रास्ता है, बहुत ही अच्छा रास्ता है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं राजस्थान और रास्ता बहुत ही ज़्यादा सीनिक है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है।
अचानक से ट्रिप की वाइब ही चेंज हो गया नहीं राजस्थान में घुस के। ये लोकेशन है बेसिकली उदयपुर से पहले और बहुत ही चिकने रास्ते हैं, बहुत सुपर डुपर रास्ते हैं एंड जो ओवरऑल लैंडस्केप है वो भी अब काफ़ी चेंज हो चुका है। पहाड़ है, वेजिटेशन काफ़ी कम है, थोड़ा डेजर्ट वाला फील भी आता है, डेजर्ट वाला भी नहीं आता बट राजस्थान टाइप का फील आने लग गया है अभी। है हम राजस्थान में, बहुत मज़ा आ रहा है फाइनली, ऐसा लग रहा है रोड ट्रिप में आके मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर ये रास्ता इतना ज़्यादा सीनिक है कि एक एक टर्न पे ना कुछ पूरा व्यू चेंज हो जाता है और इट लुक्स ऑल द मोर ब्यूटीफुल। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मतलब किसका वीडियो लूँ और किसका ना लूँ, इतना ही सुंदर लग रहा है मुझे। और एक्चुअली बहुत ही लाइक देर इज सम सरप्राइज एंड सम न्यूनेस इन ईच एंड एवरी टर्न, सो बहुत ही अच्छा है। गोल गोल रास्ते हैं यहाँ पे और बाहर के टेम्परेचर बहुत बहुत हाई है, इट्स अराउंड 38 डिग्रीज नाउ एंड इट्स 11, आई थिंक ये 40-45 तो हो ही जाएगा जैसे जैसे और दिन बढ़े। बट चलो अपन गाड़ी में तो उतना समझ नहीं आता बट बाहर बहुत ही गर्मी होगी। So we are crossing the first toll for the day and 165 rupees है ये toll के charges। अभी हम जाएंगे आगे राजस्थान के तरफ like उदयपुर के तरफ, नज़ारा तो बहुत ही सुंदर है। अभी हम राजस्थान के पहाड़ों के बीच में से जा रहे हैं, रास्ता तो बहुत ही बढ़िया है और व्यू तो और ज़बरदस्त। बाहर गर्मी भी बढ़ रही है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, एक एक डिग्री से टेम्परेचर बढ़ रही है और आगे जाके उदयपुर है। मतलब बहुत ही अलग ही टाइप के रोड ट्रिप एक्सपीरियंस है, नहीं बहुत ही मज़ा आ रहा है। सीनिक है ये रास्ता, बहुत सीनिक है, आई थिंक उदयपुर तक ऐसे ही सीनिक रहेगा और उसके बाद आगे देखते हैं, पता नहीं। फर्स्ट टाइम 60 किलोमीटर और जाना है ना उदयपुर के लिए। हाँ तो एक घंटा लगेगा करीब पहुँचने में आराम से। अभी हम लोग हैं नेशनल हाईवे 48 पे उदयपुर से कुछ 30-40 किलोमीटर पहले और ये जो रास्ता है ये बहुत ही, एक तो पहली बात तो ये बहुत पहाड़ों के बीच में से जाता है सो बहुत ऊपर नीचे और गोल गोल टाइप के रास्ते, बट रास्ते की कंडीशन बहुत ही सुपर्ब है। ये रास्ता हमने लिया था श्यामला जी से लिया था राइट, तो वहाँ से लेके यहाँ तक के अभी उदयपुर तक के आई थिंक बहुत ही सीनिक रहने वाला है। हम लोग तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, आई थिंक आपने भी नज़ारे देखे ही होंगे कि कितने खास दिख रहे हैं और ट्रिप काफ़ी अच्छी जा रही है, तो हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे बिकॉज राजस्थान हम लोग वैसे भी आई थिंक फर्स्ट टाइम है जो आ रहे हैं बाय रोड। सो बाद में कभी उदयपुर भी कवर करेंगे जब टाइम मिलेगा, सो आप देखते रहिए हमारी रोड ट्रिप और कैसे जाती है आगे। पैचवर्क है इसमें भी बट काफी डैमेज होता है, इधर पत्थर भी तो गिरता होगा। आ गया, रास्ते हो गए खराब। कुछ तो मंदिर है ना, केशरियानाथ जैन मंदिर है। तुम्हें मजा आ रहा है मेरे साथ? हाँ बहुत मजा आ रहा है। तो हम लोग
शायद एंटर कर रहे हैं उदयपुर अभी। बढ़िया सा गेट बना के रखा है ये। अभी भी उदयपुर सेंटर से 10 किलोमीटर दूर होगी आई थिंक। हम लोग तो रिंग रोड वगैरह लेके क्रॉस कर जाएंगे उदयपुर को, मतलब बाईपास ही कर लेंगे। हमने जस्ट लंच किया है, अभी टाइम हुआ है 1 और रेस्टोरेंट पे बहुत भीड़ थी तो हम शूट नहीं कर पाए और हमें जल्दी जल्दी खा के निकलना था तो इसलिए हमने खा लिए। वी टुक लुधियाना स्पेशल थाली एट अ लोकल रेस्टोरेंट एंड इट वाज क्वाइट गुड। मतलब वो रोटी सब्जी चावल दाल मिक्स वेजिटेबल गुलाब जामुन छाछ इस टाइप के एक थाली थी। और अभी गूगल मैप हमें उदयपुर के सिटी के अंदर से लेके जा रहे हैं। तो पहले जब हम मैप लाइक लोकेशन सेट किए थे तब ये बाहर बाहर से ही लेके जा रहा था, अभी आई डोंट नो व्हाई ये सिटी के एकदम अंदर से ही लेके जा रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं उदयपुर के मज़ा लेते हुए। बहुत गर्मी है, इट्स अराउंड 41-42 डिग्रीज आउटसाइड। तो धूप तो बहुत ही चुभ रही थी और बहुत तेज़ धूप है बाहर, बट गाड़ी के अंदर क्या समझ नहीं आता तो इट्स कम्फर्टेबल। चढ़ाई है this tunnel comes just after Udaipur and I think this is the end of Udaipur. हाँ उदयपुर अब पीछे रह गया। हाँ अब पीछे रह गया। So अभी we are proceeding towards ajmer. उदयपुर के बाद we have taken the national highway 8 और ये 4-lane road है और कंडीशन वाइज ये भी काफ़ी अच्छा ही है, बट जो नेशनल हाईवे 48 था वो तो बहुत ही अच्छा था। सो ये गोमती चौराहा उदयपुर हाईवे वाला टोल है एंड टोल चार्जेस आर 145 रुपीस फॉर वन वे एंड इसके आगे हम बढ़ेंगे अजमेर की तरफ। काफ़ी गर्मी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। so, हमें इधर एक शिव जी की बहुत बड़ा मूर्ति दिख रही है। दिस इज नाथ द्वारा क्या? नाथ द्वारा आई थिंक वहाँ पे मंदिर वगैरह होगा या कुछ तो होगा, कोई नहीं पता एग्जैक्टली। देखते सामने का व्यू आती है कि नहीं। सो ये है द व्यू फ्रॉम फ्रंट। बहुत ही बड़ी मूर्ति बनाई है, इसको त्रिनेत्रा सर्कल बोलते हैं, ये हमने देखा रास्ते में। और बहुत ही बड़ा मूर्ति बना है। अभी हम इस हाईवे पे नेक्स्ट टोल अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे टोल के प्राइस है 45 रुपीस। दिस टोल इज अराउंड विच रीजन से तने? दिस इज अराउंड आई थिंक ये ब्यावर से पहले आता है। ब्यावर भी अभी बहुत टाइम है वैसे पता नहीं कौन सा रीजन है ये ये बाद में पता करके बताएंगे, पता करके बताना पड़ेगा हाँ कि कहाँ पे है। बट दिस इज वर्थ 45 रुपीस। सो अभी जो रास्ता है वो सिंगल लेन हो चुका है, मतलब डबल लेन है बेसिकली, एक लेन आने की एक लेन जाने की। ये रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो एक बार ये जब रास्ता बन जाएगा ये नया तो 4-lane हो जाएगा। ये अंडर कंस्ट्रक्शन रोड अपने को पड़ता है राजसामंद के बाद में। राजसामंद के बाद एक रास्ता जो जाता है वो जोधपुर की तरफ जाता है और जो अजमेर की तरफ रास्ता जा रहा होता है ना वो ऐसे कंडीशन में है। सो आपको मैं दिखाता हूँ कि रास्ता कैसा है। साइड में रोड्स बन रहे हैं, ये रीजन में ऐसे काम चल रहा है और ऐसे जगह जगह डाइवर्शन दिया हुआ है। रोड का कंडीशन कुछ ऐसा है, एकदम मिट्टी मिट्टी और कुछ रास्ता है ही नहीं। ये वाला सेक्शन में ड्राइविंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सो ये है इस रोड के कंडीशन।
और जगह जगह डाइवर्शन दिया हुआ है और हमें तो ऑलरेडी 5-6 डाइवर्शन मिल चुके हैं, राइट? 5-6 हो चुके हैं। अभी हम ऐसे रास्ते से जा रहे हैं एकदम हिलते हुए। सो ये रास्ते की कंडीशन बहुत ही खराब है, जितने भी डाइवर्जन बनाए हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट कच्चा रास्ता ही है और गिट्टी पत्थर, तो पूरा कच्चा रास्ता है, गिट्टी पत्थर तो ऐसे पड़ा है जैसे पता नहीं क्या। हमें यहाँ पे लद्दाख का एक्सपीरियंस मिल रहा है, लद्दाख से भी खराब रास्ता। सो जगह जगह हम प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं। Approaching the next toll plaza and gaadi ke liye iska price hai 40 rupees. Wo kharab raste katoge kya? Pata nahi, rasta bhi kharab aur toll bhi le rahe hain. 40 rupees. Ho sakta hai aage hoga ekdam badhiya rasta. Ho sakta hai. So piche jo kharab wala stretch tha that was for some 30 minutes we have dodged. Kitna hoga? Nahi, kharab stretch hoga, mere ko lagta hai kareeb kareeb 4-5 kilometer ka kharab stretch hoga piche. Kharab ka matlab ye rahega ki bilkul kacche raste ekdam aur diversions bhi hai kuch kuch, bahut sare diversions hai, kuch 10-12 diversions. Ladakh jane se pehle Ladakh ka practice karwa rahe hain yahan pe. जो टोल प्लाजा हम क्रॉस करके आए हैं वो है बागड़ टोल प्लाजा और उसके बाद वाले स्ट्रेच काफ़ी अच्छा है, मतलब हम कुछ 1-2 किलोमीटर से आए हैं बट एकदम चिकना रास्ता है यहाँ पे फिर से। सो जितना हमारा स्पीड लॉस हुआ था वो शायद इधर मेकअप हो जाए, जितना टाइम लॉस हुआ था यहाँ पे स्पीड कैमराज भी लगे हुए हैं। हाँ, अभी नोटिस किया मैंने। रास्ते के लिए मैं पैसे देने वाला हूँ क्या? 35 रुपए देने वाले हैं। ये मुंबई के जैसा। बेसिकली टर्न्ड आउट टू बी कि हम जो बहुत अच्छे रास्ते से आए उसका कोई टोल नहीं दिए, बिकॉज़ स्टेट हाईवे बहुत ही अच्छा था गुजरात के, और अभी एकदम घटिया रास्ते के लिए हम टोल देते हुए जा रहे हैं। दिस इज बगालिया टोल। ये नेक्स्ट टोल प्लाजा है एंड आई थिंक इट्स 60 रुपीस फॉर कार्स। दिस टोल प्लाजा कम्स जस्ट आफ्टर द बेवावर सिटी। कह नहीं सकते, जो लोग बोलते हैं अच्छा है वो एक्चुअली में बहुत अच्छा नहीं होता। देखते हैं आगे कैसा रहता है रोड की कंडीशन। कहीं ढाबे पे लेना है क्या कॉफी वगैरह पीना? हाँ, पीते हैं ना बैठ के। तो इधर ऑपोजिट से लोग आ रहे हैं। लेफ्ट 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 लेफ्ट। इट्स अराउंड 5:30 एंड वी आर क्रॉसिंग अजमेर। वी आर बाईपासिंग अजमेर सिटी। बीच में तो रास्ता भी बहुत ख़राब था एंड गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, बट अभी रास्ते की कंडीशन थोड़ा सा बेटर हुआ है। इट्स अगेन अ 6-lane रोड। ये ब्यावर अजमेर हाईवे है, सो काफ़ी अच्छा ये है, इसका कंडीशन बहुत अच्छा है, वेल मेंटेन्ड है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग 5:30 बजे तक तो अजमेर टच कर लिए। अभी थोड़ा आई थिंक कितना 2 घंटा लग जाएगा यहाँ से जयपुर जाने के लिए। जयपुर में हम लोग मोस्टली देखते हैं जयपुर तक ही जाएंगे आज। सो लेट्स सी हाउ दी आगे का रास्ता इज। रास्ते की कंडीशन इज काफ़ी गुड, लाइक मच बेटर देन द प्रीवियस सेक्शन। बीच के सेक्शन में तो बाप रे बाप, बहुत ही खराब हालत थी। खराब था, बहुत ही खराब हालत।
अभी हम क्रॉस कर रहे हैं अजमेर सिटी, लाइक बाईपास कर रहे हैं ये. दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ रिंग रोड एंड उधर ऊपर एक फोर्ट दिख रहा है मुझे. मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सा फोर्ट है बट काफ़ी सुंदर दिख रहा है, लाल कलर का. आप लोगों को अगर पता हो तो आप बताइए. हाँ बताइए हमें कौन सा फोर्ट है. काफ़ी बड़ा फोर्ट है. We are now approaching Kishangarh. I think Ajmer bypass ho gaya hai. Aur Kishangarh is in around 20 kilometers. This toll gate is between Ajmer and Kishangarh. Toll ka price hai 65 rupees per car. अभी बज रहा है 6 और वी आर ट्राइंग टू रीच टिल जयपुर टुडे. जयपुर से आगे तो शायद ही जाएंगे नहीं. 8 बज जाएगा, ऑलमोस्ट 8 बज जाएगा, तो जयपुर में ही रुकेंगे आज और कल जाएंगे जयपुर से अमृतसर. इज द नेक्स्ट टोल दैट वी आर पासिंग. दिस इज किशनगढ़ टोल प्लाजा एंड द टोल कॉस्ट 45 रुपीज. पिछले लास्ट सेक्शन के रास्ता काफी अच्छा था. अरे अरे नीरो उसके पास में है ही नहीं पैसा. पैसा दे रहा है क्या? हाय गाइस, अभी द टाइम इज 7:15 एंड हमने थोड़ा सा लिया था एक चाय पकौड़ा ब्रेक. काफी ठीक ठाक था और वॉशरूम्स भी काफी क्लीन थे. हाईवे पर ही था एक रेस्टोरेंट टाइप्स एंड अभी जयपुर में हमने होटल भी बुक कर लिया है फाइनली. एंड अभी सनसेट तो हो चुकी है एंड ऑलमोस्ट 1 आवर लगेगा पहुंचने में. तो अभी हम थोड़ा थोड़ा रास्ते का ग्लिम्स आपको दिखाएंगे और रास्ता तो अभी काफ़ी अच्छा है. और जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे सडनली ट्रैक की ट्रैफिक फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. और नॉट लाइक गुजरात बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और ट्रक्स तो काफ़ी हाई स्पीड में रहते हैं और बहुत ज़्यादा लेन चेंजेस करते हैं तो थोड़ा सा केयरफुली चलाना पड़ रहा है. अदरवाइज रास्ते के कंडीशन काफ़ी अच्छा है आई वुड से. तो हम लोग पहुँचते हैं होटल में और फिर आपको बताएंगे ओवरऑल जर्नी कैसा रहा. Approaching the toll just before Jaipur and the cost is 70 rupees. So इसके बाद जयपुर और 15 किलोमीटर्स ही है जहाँ पर हमारी बुकिंग है. तो हम उधर जाएंगे, सीधे सीधे रास्ता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. So, हम आपको मिलते हैं उधर ही होटल पहुँच के एंड आपको बताते हैं कि ओवरऑल जर्नी कैसी थी. वो तो आपने देखा ही होगा वैसे भी बट एक जर्नी का समरी भी आपको दे देंगे. सो अभी हम चेक इन कर चुके हैं हमारे होटल में और ये है रूम. तो हमें प्राइमा फेसी 1 नाइट के लिए बहुत ही पसंद आया. सो एंट्री करते हुए यहाँ पे बाथरूम है, बहुत पॉश लुकिंग है और यहाँ पे ऐसे नहाने का जगह है और यहाँ पे एक बेसिन दिया हुआ है. और फिर एंट्री करते हुए यहाँ पे एक सामान रखने का जगह दिया है. एंट्री करके देर इज़ अ बेड एंड देर इज़ अ टीवी एंड आई डोंट नो व्हाई देर इज़ एन एक्स्ट्रा मैट्रेस आल्सो गिवन एंड यहाँ पे बैठने का जगह है और यहाँ पे एक कबर्ड है और यहाँ पे विंडो है. आई थिंक सिटी व्यू है, ये सिटी व्यू विंडो. पूरा मेन रोड दिखता है. मेन रोड को एकदम लग के ये होटल तो बहुत ही कन्वीनियंट है फॉर अ 1 नाइट स्टे. आज के ट्रिप तो काफ़ी अच्छा था, मतलब इट वाज काइंड ऑफ अ मिक्स काइंड ऑफ ट्रिप. रास्ता कुछ सेक्शन में अच्छा था, कुछ सेक्शन में ख़राब था एंड ट्रक के ट्रैफिक तो कुछ कुछ सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा था, आपने देखा ही होगा ब्लॉग पे. तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर सो जाएंगे. कल फिर से जल्दी उठ के अमृतसर तक जाना है. तो आज के लिए बस इतना ही.
और सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड आपने पूरा वीडियो में देखा ही होगा. सो बाय बाय फॉर नाउ, कीप सपोर्टिंग अस एंड लेट अस नो योर इन कमेंट्स दैट हाउ डिड यू लाइक आवर वीडियो. बाय बाय.